नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देशभर में आज से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है, तो वहीं हरियाणा में भी 15,40,000 किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर अपनी कमर कस ली है। वहीं किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश भर में बनाए गए कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन लगवाने के लिए 15 से 18 साल के टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुंच रही है। वहीं बच्चों को वैक्सीन लगाने के आधे घंटे बाद तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए रविवार देर शाम तक 6.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो आज सुबह बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गया है। यानी कि बड़ी संख्या में बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहीं रोहतक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, वहीं भिवानी की, ये चार जगहों की, अलग अलग चार क्षेत्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में जो है किशोर पहुंच रहे हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे यहां पर वैक्सीन का टीका लगवाने आ रहे हैं, तो ऐसे में यह बड़ी सराहनीय कदम सरकार द्वारा। और इस बीच लोगों की टीनेजर्स में जागरूकता वैक्सीनेशन को लेकर काफी दिख रही है, देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में किशोर वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच सीधे तौर पर तीसरी लहर में जो है कहीं ना कहीं बच्चों के संक्रमण होने की चेतावनी पहले ही विशेषज्ञों द्वारा दे दी गई थी, तो ऐसे में बच्चों का टीकाकरण होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे इससे सुरक्षित रह सके, बच्चों को जो है ये संक्रमण अपनी चपेट में ना ले, क्योंकि बच्चे ही देश का आने वाला भविष्य है। तो ऐसे में सरकार द्वारा बेहद सराहनीय कदम है। और खास बात यह है देखने वाली कि पहले दिन ही भारी संख्या में जो है बच्चे वहां पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो है खुद से पहल करते हुए टीकाकरण करवाने वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अब तक कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई जहां पर बच्चे जो है वह बचते हुए नजर आ रहे हो। देखिए, आपको चार जगहों की और अलग अलग स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की बात की जाए तो करनाल से तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे कितना उत्साह से भरे हुए हैं यहाँ पर टीकाकरण करवाने के लिए। वही बल्लभगढ़ से हमारी दूसरी तस्वीर है। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है बच्चे वहां पर पहुंचे हैं। वही यमुनानगर की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमुनानगर में भी देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है वैक्सीनेशन सेंटर्स में। बच्चे वहां पर काफी उत्साह और एक्साइटमेंट के साथ जो है नजर आ रहे हैं। वही चौथी तस्वीर की बात की जाए तो पलवल से ये चौथी तस्वीर है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे जो है स्कूली बच्चे वहां पर टीकाकरण करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो ये अलग अलग जगहों की प्रदेश से तस्वीरें सामने आई है जहां पर भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। अब तक ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जहां पर बेहद कम संख्या में बच्चे मौजूद हो, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर अब ज्यादातर जो बच्चे हैं टीनेजर्स हैं वे काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये बेहद अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर के संकेत हैं, लगातार तीसरी लहर का साया जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, उससे बचने के लिए एकमात्र उपचार जो है, उपाय जो है, वह वैक्सीनेशन है। और ऐसे को बखूबी समझते हुए टीनेजर्स जो है वह नजर आ रही है। इस चीज की बड़ी लापरवाही जो है हमने दूसरी लहर में देखी थी, लेकिन अगर जब तीसरी लहर के आने की संकेतों की बात की जाए तो उससे पहले ही बच्चों में जागरूकता काफी नजर आ रही है। तो सरकार द्वारा भी ये बेहद पहल जो है सराहनीय है, जहां पर 15 से 18 साल के बच्चों का जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी लहर में यह सीधे तौर पर कह दिया कि तीसरी लहर आना भी संभव है और तीसरी लहर में बच्चे जो है सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। तो उसे देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है और ऐसे में टीनेजर्स जो है इस बात को बाखूबी समझते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ के बावजूद बाजारों में लापरवाही देखी जा रही है। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक कोरोना नियमों की अवहेलना करते साफ दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जिले में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुग्राम के सदर बाजार में सरकारी आदेशों के दूसरे दिन के माहौल का जायजा आप खुद देख सकते हैं, किस तरह से भारी संख्या में जो है लोग नजर आ रहे हैं बाजारों में, और इतना ही नहीं बड़ी लापरवाही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, सरकार द्वारा आदेश दे दिए गए हैं, प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है, उसके बावजूद ये बड़ी लापरवाही कहां चूक यहां पर मानी जाए? जी प्रवीण, कल से यह आदेश लागू कर दिए गए थे, उसके बावजूद बाजारों में जब हम जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं बिना मास्क के नजर आते हैं। और ग्राहकों की बात छोड़िए, जो दुकानदार हैं वो खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से साफ आदेश है कि सभी प्रतिष्ठान, चाहे वो दुकान हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशनल हो, उनको जो है कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही अपनी दुकान और अपने संस्थान खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन हम जब बाजार में गए तो हमें साफ तौर पर दुकानदार भी लापरवाही करते दिखाई दिए, क्योंकि दुकान पर काम करने वाले जितने भी उनके लड़के हैं वो बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो ग्राहक उन दुकानों पर आ रहे हैं और जो बाजार में लोग टहल रहे हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि कुछ लोगों ने मास्क लगाया भी है तो वो उनकी नाक और मुंह से नीचे नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ लापरवाही और यही एक बड़ा कारण बन रही है। तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही हो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ? जी देखिए, अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से शुरू नहीं की गई है। इस बारे में आज सुबह जब हमने गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी से बात की तो उनका कहना है कि अभी लोगों को समझाया जा रहा है और अगर लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन द्वारा सख्ती भी की जाएगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है, फिलहाल लोगों से अपील कर रहा है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि जो केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करें। ठीक है, देखिए देखिए नए साल की शुरुआत होने से पहले ही सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे और बड़े जोर शोर से कहा गया था कि 1 तारीख तक सभी नियम लागू कर दिए जाएंगे, जहां पर राशन भी लेने की, अगर आपको जाना है राशन लेने के लिए तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज होनी बेहद जरूरी है, पेट्रोल ऐसे तमाम जरूरी कामों के लिए आपको वैक्सीन की दोनों डोज होनी जरूरी है। उसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही है? प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरत सकता है जबकि सरकार द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सरकार द्वारा साफ तौर पर आदेश है कि जो रेलवे स्टेशन है, जो बस स्टैंड है और जितने भी संस्थान है वहां पर अगर आपको प्रवेश चाहिए, किसी होटल में आपको प्रवेश चाहिए या किसी रेस्टोरेंट में आपको प्रवेश चाहिए, तो आपको दोनों डोज का वैक्सीन होना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट जब आप वहां पर दिखाते हैं गेट पर तब आपको एंट्री दी जाए। लेकिन इस तरह के नियमों की पालना कुछ जगह को अगर हम छोड़ दें तो नहीं की जा रही, क्योंकि जो मॉल्स हैं उनमें कोशिश की जा रही है कि जो लोग आ रहे हैं उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया जाए। लेकिन अगर बाजार की बात करें या छोटे जो संस्थान हैं उनकी बात करें, वहां पर इस तरह के नियमों की कोई पालना नहीं की जा रही है और जो एक एसओपी है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए दोनों डोज से, उसके अलावा आपके पास मास्क होना चाहिए, उसके साथ ही आपको हाथ सैनिटाइज करने चाहिए और 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। ये सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन होता कहीं नजर नहीं आता और यही एक कारण है कि लगातार गुरुग्राम में ओमिक्रॉन और कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी की है इस महामारी से निपटने की, लेकिन यदि लोग इस तरह की लापरवाही करते रहे जी, में हमने देखा था कि देखिए प्रवीण शुरू से ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी रही है। आदेश पहले जारी हो जाते हैं उसके बाद जमीनी स्तर की तस्वीरें कुछ और कहती हैं और वही फिलहाल अभी जो नजर आ रहा है। अब कितना टाइम लग जाएगा इन तस्वीरों को सही होने में? क्या मामले जब हद से पार हो जाएंगे, सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, क्या तब यहां पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगेगा, तब ये लोग मानेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, जब हम बाजार में हमने इन हालातों को देखने के लिए जायजा लिया तो हमने वहां दुकानदारों से साफ तौर पर बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि वो कितने लापरवाह दिखाई देते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ दुकानदारों को होती है, क्योंकि
काम धंधे बंद हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग बागों का रोजगार छिन जाता है। और यदि इन चीजों से हमें बचना है और महामारी से भी बचना है तो जो सरकार द्वारा लागू किए गए नियम है उनकी हमें सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। और एक तरफ जहां प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों से पालना कराए, वहीं दूसरी ओर जो आम जनता है उसको खुद भी जागरूक होना बहुत जरूरी है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो उनके भले के लिए बनाए हैं, उनको वो हंस करके ना उड़ाए, क्योंकि इन नियमों का पालन करके ही हम इस महामारी से बच सकते हैं। नहीं तो ये महामारी जिस तरह से पिछली बार कई घरों के चिराग बुझा गई थी, इस बार भी इसका कहर टूट सकता है। ठीक है, देखिए ये हालात सिर्फ दुकान के हैं या बड़ी जगहों के ही हैं या फिर फुटकर बाजारों में तो और भी बुरे हाल नजर आ रहे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो छोटे बाजार हैं वहां हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि बड़े बाजारों की हम बात करें या किसी मॉल की बात करें तो वहां पर जो एक प्रॉपर एंट्री गेट होता है वहां पर गार्ड तैनात किए गए हैं जो नियमों का पालन लोगों से करा रहे हैं। लेकिन अगर छोटे बाजारों की बात करें तो वहां पर किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं हो रहा है और साफ तौर पर वहां पर लापरवाही देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रशासन कब सख्ती बरतता है और इन नियमों को पालन कराने के लिए जो एक चालान की व्यवस्था की गई है अभी फिलहाल वो भी शुरू नहीं किए गए हैं। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर आज लोग नियमों का पालन शुरू नहीं करेंगे तो जिला प्रशासन की ओर से लोगों के चालान किए जाएंगे और सख्ती से इनको निपटा जाएगा। ठीक है, देखिए प्रवीण, बड़े बाजारों में ज्यादातर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहता है, मेन गेट पर पुलिस प्रशासन वहां पर रहता है, चेकिंग के दौरान रहता है। क्या उस दौरान भी वहां पर सीधे तौर पर जो SOP जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि सार्वजनिक जगहों पर जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा अगर डबल डोज ना हो, इस तरह की कोई चेकिंग नजर आ रही हो वहां पर? जी हिमानी, देखिए बिल्कुल, जो बड़े मॉल्स हैं गुरुग्राम में, जो MG रोड पर मॉल्स हैं, जो सेक्टर 29 में बार पब और रेस्टोरेंट है जिनको आधी क्षमता के साथ खोलने की सरकार ने बात की है, वहां पर जरूर चेकिंग की जा रही है लेकिन वो कुछ सीमित संख्या में है। वहां पर गार्ड बकायदा आपकी दोनों डोज की वैक्सीन देखने के बाद ही आपको अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। जिन लोगों को दोनों वैक्सीन नहीं लगी उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो लापरवाही है, जो क्राउड है, वो क्राउड एरिया, जो अब पुराने शहर की बात करें, जैसे हम सदर बाजार की बात करें, रेलवे रोड की बात करें और बस स्टैंड के आसपास की बात करें, तो यहां पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और यही लोग कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर बनकर समाज में इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं सख्ती करने की अब जरूरत है कि इस बीमारी को अगर बढ़ने से रोकना है तो सख्ती सरकार को करनी पड़ेगी। और जैसा कि हमने पहले कहा कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, जब लोग खुद जागरूक होंगे तो ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन हर आदमी के साथ खड़ा होकर नियम पालन नहीं करा सकता। तो जागरूकता एक बहुत जरूरी चीज है और हम भी जो गुरुग्राम की जनता है, जो हरियाणा की जनता है, उससे अपील करते हैं कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें, इस महामारी को अपने शहर में ना प्रवेश करने दें। जी देखिए, क्या बाजार में इस वक्त फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए बाजार की एंट्री और एग्जिट पर पुलिस प्रशासन जरूर मौजूद है लेकिन अभी तक उनके पास किसी तरह की सख्ती के आदेश नहीं दिखाई देते। जो सिपाही वहां पर तैनात है, हमने जब उनसे बात की तो उनके पास इस तरह के कोई आदेश अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी पुलिस प्रशासन को आदेश दिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नरमी बरती जा रही है कि वो खुद से जो नियम है उनका पालन करें, और यदि लोग इस चीज को नहीं मानते हैं तो अब लेकिन प्रवीण देखिए, खतरनाक बात यह है कि ये नरमी एक तो लोगों की लापरवाही को और बढ़ाती है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि अब ना सिर्फ कोरोना है, कोरोना के बीच ओमिक्रोन का भी खतरा है, ओमिक्रोन के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो क्यों ये नरमी बरती जा रही है जबकि एक तारीख का समय दे दिया गया था सरकार द्वारा, नरमी के पीछे का कारण क्या है? नियम कल से लागू हुए हैं हिमानी, नरमी के पीछे सिर्फ लोगों को समझाने की एक हिमानी प्रक्रिया पुलिस कर रही है, लोगों को समझा रही है कि आप मास्क। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं बेहद ही घातक है और इस बीच जमीनी स्तर का जायजा लिया ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने, क्या कुछ वहां का नजारा रहा आइए दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके बावजूद बाजारों में कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। हम आपको यहां दिखाएं कि देखिए बिना मास्क के भाई साहब घूम रहे हैं और जब सरकार दुकानें बंद कराने की बात करती है तो ये भागते नजर आते हैं और दोष देते हैं। देखिए इस दुकान में भी बिल्कुल बिना मास्क के लोग खड़े हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये साफ तौर पर ये कारण है गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ने का। भैया मास्क नहीं लगाते हो क्या?
मास्क नहीं लगाते भाई? नहीं लगाया, अभी मुंह धोया है। देखिए अब जब मास्क की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब मास्क नहीं लगाते हो? कहाँ लगाए? अच्छा नीचे नहीं ऊपर लगाने के लिए होता है मास्क। तो देखिए ये लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है, और जब सरकार ये घोषणा करती है कि दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो यही लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं। थोड़ा आगे हम चलते हैं, आपको और दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल गुड़गांव के सबसे व्यस्त बाजार में। देखिए ये बिना मास्क के यहाँ पर अपनी दुकान चला रहे हैं, ये बिना मास्क के घूम रहे हैं, देखो चेहरे पर मास्क नहीं है, कैमरा देख कर ही अंदर की तरफ चल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कमजोरी है, बस मास्क आप नहीं लगाते हैं फिर गवर्नमेंट बाजार बंद करती है। भैया सब नहीं लगा रखे, अब लगा तो रखा है। नहीं आप अच्छा ग्राहक नहीं आते आपके पास? चलो ये देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से जवाब ये दुकानदार हैं, फिर जब सरकार दुकानों को बंद करने का आदेश देती है तो यही लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बल्लभगढ़ से है जहां बल्लभगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अभियान की शुरुआत राजकीय अस्पताल से की। राजकीय अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ ही स्कूलों में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दौरान SDM त्रिलोक चंद और SMO डॉक्टर TC गिड़वाल और अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से अपील की कि अपने बच्चों को समय से अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाएं और कहा कि सरकार के नियमों का पालन कर कोरोना जैसी महामारी से बचाव करें। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है, और जो भी जिनको सेकंड डोज मिल रहा है उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पे कि नौजवान साथियों को वैक्सीन, उसकी आज शुरुआत हमने करी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि दायरे का वैक्सीन लगवाएं। और कोरोना जैसी जो बीमारी है, जो हालात देश और प्रदेश का है, इससे अपनी दूरी रखें, अपने फेस मास्क लगा के रखें, जो केंद्र और प्रदेश की तरफ से गाइडलाइन उस पर सब काम। और पूरे देश प्रदेश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन डोज लगाई जा रही है। करनाल में कोरोना रोकने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। जिले में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए 74 स्थान तय किए गए हैं, जिसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को स्कूल के विद्यार्थियों की रिपोर्ट बनाकर दे दी है। इनमें 64,070 बच्चे निजी और सरकारी स्कूलों के हैं। अब एक ही मोबाइल नंबर पर 4 की बजाय 6 लोग भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। आज से जो है कोविड वैक्सीनेशन के जो है हमारे 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो है 74 जगह पे अपना वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं जहाँ पे कि बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे बच्चे कहीं छुटे हुए थे, अब उनका भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये स्टार्ट करवाया है कि जो है 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण आज से शुरू किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। और प्रदेश में आज से 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पलवल के गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त कृष्णा कुमार ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिले में 70,000 बच्चों को जो 15 से 18 साल तक के हैं उन सभी को ये वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। बता दें कि पहले ही दिन जिले में 10,000 बच्चों को पहली डोज लगाई जाएगी। साथ ही जिला उपायुक्त कार्यालयों में भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी बिना मास्क के कार्य करेंगे और सामान्य दूरी का पालन नहीं करेंगे उसका 500 रूपये का चालान काटा जाएगा। आज से 15 से 18 साल के जो आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आज से शुरू विधिवत शुरू कर दिया गया, जिसका उद्घाटन
हमारे जिले के माननीय उपायुक्त महोदय श्री कृष्ण कुमार IAS द्वारा किया गया है। और आज इस राजकीय कन्या गर्ल्स जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पलवल कैंप, इससे उद्घाटन किया गया है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों में टीकाकरण के लिए जोश देखते ही बनता था लगवाने के लिए। और हम जो हमारे 70,000 के करीब जिले में 15 से 18 वर्ग के बच्चे हैं, वो सभी हम चाहते हैं कि ये फुल्ली वैक्सीनेट हो। आज 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट का टीम और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों ने ज्वाइंट एफर्ट से स्कूलों में कैंप लगाए हैं। बच्चों को बुला के 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में जो बच्चे एलिजिबल हैं उन सबको आज डोज दी जाएगी और 28 दिन के बाद फिर रिपीट कैंप लगेंगे, उसमें फिर उनको दूसरी डोज दी जाएगी। ये प्रोग्राम हमारा पलवल होडल तीनों सब डिवीज़न में साइमल्टेनियसली चलेगा और हम सब स्कूलों को एक शेड्यूल बना के उसको कवर करते हैं। हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप हुआ है, सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप चलाया है। आज हम सब ने वैक्सीन लगवाई है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी वैक्सीन लगवाओ। खबर रोहतक से है, जहां किशोर और किशोरियों को महामारी से सुरक्षित करने के लिए पहले चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत 15 से 18 वर्ष तक के उम्र वालों को टीके लगाए जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए विभाग ने 29 टीमें गठित की गई हैं। इनमें से 24 ग्रामीण क्षेत्रों और 5 शहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई है। वहीं टीकाकरण करने वाली नर्स और डाटा अपलोड करने वाला कर्मचारी शामिल रहेगा। टीमों के साथ विभाग ने टीकाकरण क्षेत्र भी आवंटित कर दिए हैं। इसमें 18 वर्ष से कम और इससे अधिक उम्र के लोगों को अलग अलग जगह टीके लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि रोहतक जिले में लगभग 58,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीन लगवाई है। टीकाकरण बहुत जरूरी है, ओमिक्रॉन वैसे ही बहुत फैल रहा है, टीकाकरण की बहुत जरूरत है, इससे ओमिक्रॉन से बचाव होगा और बहुत से फायदे हैं। टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में 15 से 18 साल के बच्चों को जो है टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। और रोहतक की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चों को यहां पर टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू किया गया है। उनका रजिस्ट्रेशन यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद जो है उनको टीकाकरण के लिए दूसरी टेबल पर भेजा जा रहा है और वहां पर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। जिस तरीके से बात करें रोहतक जिले की, तो रोहतक जिले में लगभग 24 के आसपास जो है केंद्र बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। और साथ में ही कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए ये टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। केंद्र सरकार और भारत सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली थी और आज जो है यहां पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ डॉक्टर रमेश हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे कि आखिर कितनी तैयारियां की गई हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे रोहतक जिले की अगर बात करें तो। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात करें टीकाकरण अभियान की, तो अभियान शुरू हो गया है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? जैसे अपने रोहतक जिले के अंदर आप लोगों ने अभी बताया कि हमारे पास लगभग आज 24 के आसपास जो केंद्रों पे जो है किशोरों को जो है 15 से जो हमारे 18 वर्ष के किशोर हैं उनके लिए जो है वैक्सीनेशन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। और एक ये सेंटर है जहाँ आप खड़े हैं सिविल अस्पताल रोहतक, इसके अंदर जो आपने देखा कि हर व्यवस्था के साथ हर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किशोरों के लिए जो है कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए तो लगभग रोहतक जिले में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टीकाकरण आज किया जाएगा और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज हमारा टारगेट जो है पूरे जिले का ही जो है, जो आज का नहीं, हम कहेंगे हमारे पास जो इस किशोर अवस्था के जितने बच्चे हैं 58,000 के आसपास जो हैं वो बच्चे हैं। और हाँ, जैसे जैसे बढ़ेगा ये प्रोग्रेस, आज कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पेरेंट्स लेके आते हैं, तो जितने भी आएंगे हम सबको वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं जितना अपना जो है ये वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी बच्चों को भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना करना बहुत आवश्यक है। ये ना समझे कि टीका लगने के बाद आप सुरक्षित हो गए हैं, क्यों सुरक्षित, क्योंकि टीका जो है आपके जो है बचाव का काम करेगा, लेकिन आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं भूलना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से टीकाकरण की बात करें तो कितना जरूरी है टीकाकरण और कौन सी वैक्सीन जो है बच्चों को लगाई जा रही है? मैं आपको पता है कि जो है बच्चों के लिए जो हमने कोवैक्सीन स्टार्ट की सरकार के दिशा निर्देशों से, कोवैक्सीन इन बच्चों को लगाई जानी थी तो कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है इन बच्चों को।
और जहां तक कितना जरूरी है, जरूरी सभी के लिए जरूरी, जैसे हमने देखा है कि जो पिछली वेव में भी हमने देखा जो वैक्सीनेटेड थे उनके अगर कोई कोरोना हुआ भी था तो उनके जो है हेल्थ के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, उनको बहुत ही कम लक्षण देखने को मिले थे, ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी ना ही उनको किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हुई थी। डॉक्टर, बात की जाए तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए एक ये अभियान शुरू किया गया, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ठीक तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से आप उनको करेंगे? ये जो है हमारी जो है इसकी जो है सरकार द्वारा बार बार टीवी के ऊपर भी पब्लिसिटी की जा रही है, आप लोगों के माध्यम से हम सभी जो पेरेंट्स हैं जो अभिभावक उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वो जरूर आएं और इसको जो है इसको एक अपना एक जीवन का जो है ना आवश्यक चीज़ें मानते हुए अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर अवश्य कराएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक जिले की टीकाकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है टीकाकरण शुरू हो गया है और बच्चों ने यहाँ पर टीके लगवाने। और भिवानी में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में किशोरों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। भिवानी में 75,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए विभाग ने 35 जगह निर्धारित कर दी है। किशोरों ने बताया कि आज से सरकार की ओर से आयोजित वैक्सीन कैंप में पहुंच रही है और वैक्सीन लगवा रही है बच्चे। बच्चों का कहना है कि उन्हें कोई डर नहीं है, कोरोना को भगाने के लिए वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो 15 से 18 वर्ग के जो बच्चे हैं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।